दिल्ली के एलजी साहब, क्या आप दिल्ली में भी कलकत्ता की घटना रिपीट करना चाहते हैं? क्या कोलकाता जैसी घटना का आप इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में? और वो एमएस जिसके संबंध में मैं बताना चाह रहा हूं, उसके ऊपर एक नहीं अनेक महिला डॉक्टरों के साथ यौन शोषण का आरोप है। ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का एलजी बचा रहा है? ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार बचा रहा है? ऐसे ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए भाजपा ने, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने ऐसे एलजी, ऐसे अधिकारी यहां पे बिठा रखे हैं? आप कल्पना कीजिए क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई जब इस महिला डॉक्टर ने शिकायत की अपने एमएस के खिलाफ, तो इसका ट्रांसफर किया गया और ट्रांसफर में लिख दिया गया कि क्योंकि इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है इसलिए इनका ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी जिस भी अस्पताल में वो महिला ट्रांसफर होकर गई महिला डॉक्टर, पूरे अस्पताल को पता चल गया, उसकी बेइज्जती हुई कि ये महिला डॉक्टर तो वो है जिसके जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया है, ये महिला डॉक्टर तो ये है वो है जिसने जिस जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। और उसकी गहनता में जांच में जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे। कितने लंबे समय से एक एमएस अपने ही महिला डॉक्टर के साथ, उसी अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ यौन शोषण कर रहा है। तो इस पूरे मामले में दीपक कुमार के खिलाफ जो स्वास्थ्य सचिव है उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो एमएस जिसके ऊपर आरोप लगे हैं और सत्यता पाई गई है, उस एमएस को गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए, तत्काल जेल में भेजना चाहिए। और दिल्ली के एलजी को जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आप कोलकाता की घटना दिल्ली में रिपीट करना चाहते हैं? आप महिला डॉक्टरों के शोषण के ऊपर, उनके शोषण के मामले में इस तरह से एक साल तक खामोश कैसे रहे? इसका जवाब दिल्ली के एलजी को देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिसने इस एलजी को बिठाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने इस एलजी को बिठाया है, उनको भी जवाब देना चाहिए।